सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानात्
मतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशातारिणे मंशाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादेशि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृतात्रप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित् आराध्यो भगवान ब्रजेश कन्यस्तन धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम् श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थमः श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदं तत्राधरो न परं मूकं करोति वाचालं अंगूलं घ्रियते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे राजा नरक का उद्धार, इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा नरक ने हजारों गायें दान में दी, राजा नरक के अनुसार तो इतनी गायें दान में दी जितनी वर्षा की बूंदें या पृथ्वी पर बालू के कण हैं। लेकिन
उसने जब एक ब्राह्मण को गाय दान में दी, उस ब्राह्मण की जो दान दी हुई गायों में से एक गाय फिर से राजा के पास में आ गई गलती से, और उसी गाय को उसने दूसरे ब्राह्मणों को दे दिया। पहला ब्राह्मण अपनी गाय लेने आया वापिस, लेकिन राजा इस बीच में दूसरे ब्राह्मण को दे चुका था। राजा ने इनसे दोनों ब्राह्मणों से विनती की कि गाय आप उसके बदले में 1 लाख गाय दाने को तैयार है, लेकिन दोनों ब्राह्मण में से कोई भी तैयार नहीं हो। ये व्यक्ति की परीक्षा का समय रहता है, भगवान इस प्रकार का टेस्ट लेते हैं। बहुत विनती करी, राजा उनके चरणों में गिर पड़ा कि आप में से मैं 1 लाख गाय दान में देने को तैयार हूँ। दूसरे ब्राह्मण से भी रिक्वेस्ट किया कि वो उसको रिटर्न कर दे पहले ब्राह्मण को। पहले ब्राह्मण को बोला कि ठीक है आप इसके बदले में ले ली, लेकिन दोनों में से कोई नहीं माना। गाय के मालिक ने कहा राजन मैं इस गाय के बदले में कुछ भी नहीं चाहता, और वो चला गया। मैं 10,000 या जितने तुम दे रहे हो उससे अधिक वो भी मैं नहीं चाहता। ये सब राजा नरक स्वयं भगवान कृष्ण के सामने अपनी कथा सुना रहे। हालांकि भगवान कृष्ण को पता था, इस तरह राजा के प्रस्ताव को न मानकर दोनों ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए, वहां से सोचते हुए चले गए कि उनको उनकी वैध स्थिति से बेदखल कर दिया गया, जो उनको मिलना चाहिए था वो मिला। तो देवन दान देते हुए भी अगर एक का दान दूसरे को दे दिया तो उसका परिणाम। इस तरह नरग राजा अपनी कथा सुनाते हैं कि कृष्ण के सामने के इस तरह उत्पन्न परिस्थिति लाभ उठाकर यमराज के दूत बाद में मुझे यमराज के धाम ले गए। वहां स्वयं यमराज ने मुझसे पूछा कि राजा सर्वप्रथम आप अपने पापों के फलों का अनुभव करना चाहते हैं या पुण्य का। यमराज स्वयं बोलते हैं कि आपको पहले पाप चाहिए अपने या पुण्य चाहिए। निसंदेह मुझे न तो आपके द्वारा संपन्न कर्तव्यपूर्ण दान का अंत दिखता है, न ही उस दान के परिणाम स्वरूप तेज पूर्ण स्वर्ग लोक में आपके भोगों का। यमराज स्वयं भी बोलते हैं कि मेरे को आपके दान का पुण्य का तो कोई अंत नहीं दिख रहा, इतने आपने पुण्य किए, कितने लाखों करोड़ों साल आप भोग करेंगे इस अपने पुण्य का उसका मेरे को पता नहीं, लेकिन ये पाप भी है आपको ब्राह्मण के द्वारा जो दिया गया दान आपने वापस लिया। ये ब्राह्मण और तो ये सदिया की तरह ब्राह्मण और वैष्णव का महात्म बताया जाता। तो मैंने कहा, राजा नरग अपनी स्टोरी कृष्ण के सामने बोल रहे हैं, मैंने कहा प्रभु मुझे पहले पापों का फल भोगने दे, और यमराज बोले तो नीचे गिर जाओ। मैं तुरंत नीचे गिरा, स्वामी गिरते समय मैं छिपकली बन गया। तो एक गाय के ब्राह्मण और वैष्णव की एक गाय का उसके कारण उसको छिपकली, भागवतम में कथा छिपकली बन गया। हे केशव मैं आपके दास के रूप में ब्राह्मणों का भक्त था, उनके प्रति उदार था, और मैं सदैव आपके दर्शनों के लिए लालायित था, इसलिए आज तक मैं अपने विगत जीवन को नहीं भूल पाया। तो ये जो स्मृति है विगत जीवनों के अपने पापों की, ये भी पुण्य कर्मों से आती। हम देखते हैं कि जब 5वें स्कंद में बच्चे के गर्भ में जन्म होता है तो उसको जो पुण्यवान उसको होता है उसको अपने पिछले 100 जन्म याद आते हैं। ये भगवान क्यों याद दिलाते हैं? जिससे कि व्यक्ति प्रायश्चित कर सके उसका, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूलता जाएगा, जितना जल्दी भूलता जाएगा उतने पाप बढ़ाते जाएगा। यहाँ पे 100 जन्मों का वो, इसीलिए तो बच्चा माँ के गर्भ में जो पुण्यवान होता है वो प्रार्थना कर पाता है, क्योंकि उसको 100 जन्मों का याद आता है, बाकी तो ऐसे ही सोते सोते आ गया। लेकिन जो जो पुण्यवान होता है अवेक होके आता है, सारी चीजें याद करके आता है, सारी चीजों को प्रायश्चित करके आता है। क्योंकि व्यक्ति जितना ज्यादा किसी चीज के लिए प्रायश्चित करेगा अपने पापों के लिए, प्रायश्चित भी एक साधन है जैसा रूप गोस्वामी बताते हैं, लेकिन प्रायश्चित करने में और भक्ति करने में, एक प्रायश्चित करने में फिर से पाप करने की प्रवृत्ति होगी। व्यक्ति बार बार प्रायश्चित करेगा और फिर पाप करेगा। इस बात जगत में व्यक्ति हर बार सॉरी 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 तो बहुत प्रायश्चित करेगा। ये सॉरी तो कोई प्रायश्चित नहीं, वैसे ही जो है प्रायश्चित करके भी व्यक्ति पाप करने के, लेकिन उसकी वजह अगर कोई व्यक्ति
तीव्रता के साथ भक्ति करें, तीव्रता के साथ में ये अनुभव करके उसने बहुत सारे पाप किए हैं, तब जाके पाप जो तब भी पाप जलेंगे, लेकिन साथ में नए पाप करने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। ये सामान्य प्रायश्चित में और पाप में, या कर्मकांड के द्वारा प्रायश्चित करने में और भक्ति करने में अंतर। सामान्य प्रायश्चित करने में व्यक्ति बार बार करता है और हर बार फिर पाप करने की प्रवृत्ति, लेकिन भक्ति करने से पाप करने की प्रवृत्ति जो है, नई प्रवृत्तियां जो है नहीं होती। यहाँ पे भगवान ये कि राजा नृग ने में दो अतिथि गुण थे जिसके कारण वो बच गया। भगवान ने उसको दर्शन दिए कि पहले ब्राह्मण भक्ति, ब्राह्मण के समान भक्ति और वदान्यता, अतः स्पष्ट है कि इसमें गुण अंश रूप में होंगे, पूर्ण रूप में नहीं थे, क्योंकि नहीं तो वो अगर सचमुच शुद्ध होता तो कभी भी अपना ये नहीं बखान करता कि मैंने इतना दान दिया। इस तरह भगवान कृष्ण का भक्त तो था, लेकिन कृष्ण की शुद्ध भक्ति का पूरी तरह बोध नहीं हो सका, क्योंकि कृष्ण ही उसके जीवन के एकमात्र लक्ष्य नहीं थे, उसके जीवन में दूसरे भी लक्ष्य थे। तो भक्त होते हुए भी उसको इधर नहीं मिला, क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं था, तो इसलिए पाप का दंड उसको मिला। लेकिन अभी भगवान के दर्शन कैसे मिले, तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब नृग ने आपके दर्शन की लालयित का, तो एक ऐसी घटना हुई थी कि एक बार किसी भेंट, उसकी भेंट किसी महान भक्त से हुई। महान भक्त दो चीजों के लिए इच्छुक था, एक तो उसको मंदिर बनाने के लिए धन चाहिए था, और दूसरा उसको भागवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों की प्रति उसकी कॉपी भी चाहिए। अति उदार होने के कारण नृग ने इन दोनों वस्तुओं को प्रबंध कर दिया था उसके लिए। वो भक्त इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजा को आशीर्वाद दे दिया, हे राजन आपको भगवान के दर्शन हो, इस कारण आपके आज मुझे दर्शन हो पा रहे। तो श्राप भी ब्राह्मण कारण मिला था, और जो उसको ये वर है ये भी ब्राह्मण कारण में। इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है, राजा रख प्रार्थना करता है, उसी प्रार्थना के आगे आज श्रवण करेंगे। इति ये 10वें स्कंद के 64वें 64 चैप्टर के 30वें श्लोक से, 10वें स्कंद के 64 चैप्टर के 30th श्लोक से आज हम शुरू करेंगे। इति उक्त्वा तं परिक्रम्य पादोस्पृष्टा समोलिना अनुज्ञात विमान अक्षयम् आरुतः, अनुज्ञात विमान अक्षयम् आरुतः पश्यताम नृणाम्। इस तरह भगवान कृष्ण को अपनी पूरी गाथा सुनाएगी। भगवान को तो सब कुछ पता था, लेकिन भगवान चाहते थे जो सारे यदुवंशी उधर खड़े थे उनको सुनाए। यदुवंशी को सुनाए तो राजा को ही पता लगेगा कि किसी, भगवान ही चाहते थे कि किसी वैष्णव ब्राह्मण का अपमान करने से, चाहे गलती से भी हुआ, एक ब्राह्मण से गलती से गाय चली गई थी उसको, लेकिन वो नाराज हो गया, इसका परिणाम क्या हो सकता है। वो यदुवंशी, क्योंकि वो भी फ्यूचर में राजा बनने वाले हैं, तो राजा सुख और ऐश्वर्य की पोजीशन तो है, लेकिन साथ में एक जरा सा भी अपराध करने पे डाउनफॉल भी उतना तीव्र, जहां जितनी ऊंची पोजीशन वहां से नीचे गिरना भी उतना उतना ही रिस्की। दोनों एंजॉयमेंट भी बहुत है, राजा को कितना ऐश्वर्य मिलता है, कितने भी विवाह कर सकता है, कितना धन और ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन उसके साथ में उसकी पोजीशन भी उतनी रिस्की कि गाय गलती से दूसरे ब्राह्मण के पास चले गए तो राजा को चुप करेंगे। तो हाई गेन हाई रिस्क, जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऊंची पोजीशन पर रहेगा वहां से गिरने का भी चांस उतना ज्यादा रहेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व की पोजीशन। तो यहाँ पे इस प्रकार कहकर महाराज मृग ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की, प्रार्थना करके उनसे विदाई ली,
और अपने चरणों उनके चरणों पर अपना मुकुट छुआया तथा विदाई की अनुमति पाकर वहां उपस्थित लोगों के देखते देखते राजा अनुराग एक अद्भुत स्वर्गीय विमान पर चढ़ गया, क्योंकि अभी उसके लाखों करोड़ों पुण्य बाकी थे भोगने के। ये छिपकली का तो उसके पाप के कारण मिला था, नीचे एक अंधे कुएं में गिरा हुआ था, अंधेरा वाले कुएं। भगवान सारे यदुवंशी देख रहे थे सारा दृश्य। भगवान इसके द्वारा क्या बताना चाह रहे थे कि कितना छोटा से छोटा अपराध, जितना ऊंचा व्यक्ति होगा उसके प्रति अपराध की तीव्रता ज्यादा होगी। अगर हम किसी वृक्ष के प्रति अपराध करते हैं, वृक्ष को काटते हैं तो एक अपराध का छोटा है, किसी पक्षी या नीचे रेंगने वाले जीवों के लिए करते हैं तो थोड़ा ऊपर का अपराध होगा। पशु के प्रति करते हैं उसके प्रति ज्यादा अपराध होगा, पशुओं में गायों के प्रति करते हैं उसके प्रति ज्यादा अपराध हो गया, उसके ऊपर एक मनुष्य के प्रति करते हैं अपराध ज्यादा होगा, उसके ऊपर एक सिविलाइज पर्सन के लिए करते हैं अपराध ज्यादा हो गया, उसके ऊपर ब्राह्मण के प्रति करते हैं उसके ऊपर अपराध ज्यादा होगा, वैष्णव के प्रति करते हैं तो अपराध सबसे तीव्र होगा। तो अपराध की तीव्रता इस पर निर्भर करती है कि किसके प्रति हम अपराध कर रहे हैं, किस चेतना के ऊपर, कि किसकी चेतना। तो वैष्णव के प्रति अपराध में वैष्णव को कष्ट होगा, वृक्ष के प्रति अपराध, वृक्ष दोनों कष्टों में अंतर है और दोनों में तीव्रता अलग अलग, क्योंकि जो जितनी हायर चेतना में हो गया उसके प्रति अपराध किए गए अपराध की तीव्रता, उसका दंड उतना तीव्र होगा। इसलिए बोला गया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे पाक्य च पंडित समदर्शन। जब हम सारे को देखते हैं लेकिन सबकी जो कॉन्शियसनेस, सबकी चेतना अलग अलग, तो जितना हायर चेतना वाले के प्रति अपराध किया जाएगा उतना अपराध का दंड जो है उतना तीव्र होगा। तो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं आगे, कृष्ण परिजनम प्राय भगवान देवकी सुतः ब्रह्मण्य देव धर्मात्मा राजन ज्ञान अनुशिक्षयन। तब देव की पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त है, उनकी आसक्ति कृष्ण की किसमें है, ब्राह्मण वैष्णव। ब्राह्मण मतलब ही भगवान का भक्त, क्योंकि जो ब्रह्म, जो वास्तव में ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जानते हैं, और वैष्णव जो विष्णु के भक्त। तब देव की पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त है, कृष्ण का इंक्लिनेशन है ब्राह्मण की तरफ, वैष्णव की तरफ। कोई बोल सकता है कि कृष्ण पार्शियल है, पार्शियल नहीं वास्तव में कृष्ण न्यूट्रल है, क्योंकि ब्राह्मण उनके उनके साथ ही लगे रहते हैं, उन्हीं में अनुरक्त। ब्राह्मण भी वैष्णव भी उन्हीं के साथ अनुरक्त रहते हैं, कृष्ण भी उनके साथ अनुरक्त रहते हैं, उनकी एक दूसरे से आसक्ति या आध्यात्मिक आसक्ति। तो कृष्ण जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त है, और जो साक्षात धर्म के सार है, ब्राह्मणों को धर्म का सार माना जाता है, और अपने निजी संगियों से इस, और वो स्वयं भी भगवान स्वयं भी धर्म जानते हैं, महाजन भी जानते हैं और ब्राह्मण भी जानते हैं। तो भगवान जो साक्षात धर्म के सार हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान जो साक्षात धर्म के सार है, अपने निजी संगियों से इस प्रकार बोले और इस प्रकार राजसी वर्ग को शिक्षा दी। क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान ने, सारा किया लीला शिक्षा देने के लिए। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, आगे के श्लोक में आता है, दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम भुक्तम अग्ने मना कपि तेजी राज्ञाम ईश्वर मानिनम। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अपने यदुवंशियों को, बेटों को सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कौन थे, प्रद्युम्न थे, साम थे, चारु थे, सब अपने उनके यदुवंशी बेटे थे, बस उनको सिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं एक ब्राह्मण की संपत्ति कितनी अपाच्य होती, उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता ब्राह्मण, ये भगवान बोल रहे हैं। दुर्जनम बत भ्रमस्तम भुक्त मग्ने भुक्त मग्ने मना कपी, एक ब्राह्मण की संपत्ति कितनी अपाच्य होती है, पचने वाली नहीं होती है, भले उसका रंच भर हो, थोड़ी सी भी हो, और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी द्वारा उपयोग, चाहे उसका कोई बहुत बड़ा महात्मा या दूसरा बहुत बड़ा सन्यासी भी उस ब्राह्मण की अगर कुछ संपत्ति को उपयोग कर ले तो भी उसके लिए अपच नहीं रहती, उसको पचा नहीं सकता है। तो फिर उन राजाओं के विषय में क्या किया जाए जो अपने को स्वामी मानकर उसका भोग करना चाहते हैं, जो दूसरे की संपत्ति का भोग करना चाहते,
जब एक सन्यासी को ही डाइजेस्ट नहीं हो सकती एक ब्राह्मण के कुछ, तो उन राजाओं के विषय में क्या कहा जो अपने को स्वामी मानकर दूसरे का भोग करना चाहिए, दूसरे की संपत्ति का भोग करना चाहिए। तो यहाँ पे इस शिक्षा को देने के लिए ये पूरा राजा नरक की कथा लीला हुई, वास्तविक लीला। तात्पर्य बताते कि तपस्या योग इत्यादि द्वारा शक्तिशाली बनने वाले भी बड़े बड़े तपस्वी भी ब्राह्मण के चुराई गई या छीनी गई या धोखे से ली गई संपत्ति का भोग नहीं कर सकते, तो फिर अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। बड़े बड़े तपस्वी सन्यासी भी किसी ब्राह्मण की संपत्ति जो बिना इच्छा के दी गई है उसको भोग नहीं कर सकते या बिना इच्छा के ली गई, तो फिर एक सामान्य, तो उसमें बोला गया फिर अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। नाहम हलाहलम मन्ये विषय यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वामी विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि भूत। भगवान आगे बोलते हैं, कोई बोलता है भगवान भय बता रहे हैं, भगवान तो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, सारे उनके सैकड़ों पुत्र हैं वहां पे यदुवंशी और बहुत सारे। भगवान बोलते हैं मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, जो शिवजी ने पिया उस हलाल को विष को मैं विष नहीं मान रहा हूं, क्योंकि इसका भी कोई उपाय है, विष का प्रभाव भी खत्म करने का कोई उपाय है, कि तो ब्राह्मण की संपत्ति चुराई गई या छीनी गई को असली विष कहा जा सकता, क्योंकि इससे संसार में उसका कोई उपचार नहीं, उसका कोई तरीका नहीं। यह है किसी ब्राह्मण की संपत्ति, ब्राह्मण वैष्णव की संपत्ति चुराई गई या छीनी गई या धोखे से ली गई, इसका कोई भगवान बोले कोई उपाय नहीं। वो शिवजी ने जो विष पिया हलाहल विष जो सबसे तेज मारता है उसका भी कोई उपाय हो सकता है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो तात्पर्य बोलते जो किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुरा कर छीन कर या धोखे से लेकर यह सोचता है कि वो इसका भोग करेगा तो वास्तव में अत्यंत घातक विष का पान करता है, अपना विनाश कर देता। ये भगवान स्वयं अपने ही लोगों को, अपने परिवार के लोगों को शिक्षा दे रहे, सारे उनके पुत्र ही आगे जाए। हिनस्ति विषमत्तारम वही अब्धि प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्व अरणि पावक। भगवान स्वयं कर रहे हैं, भगवान जैसे भागवत गीता में स्वयं उपदेश देते हैं कि विष केवल उसी को मारता है जो उसे निगलता है, विष केवल उसी को मारता है जो विष को खाता है, और सामान्य अग्नि को भी पानी से बुझाया जा सकता है, किंतु ब्राह्मण या वैष्णव की संपत्ति रूपी अरणि से उत्पन्न अग्नि उस छीनने वाले चोर व्यक्ति के समस्त परिवार को नष्ट कर देता, समूल नष्ट कर देता। तो किसी ब्राह्मण या वैष्णव की संपत्ति को धोखे से या चोरी से या छीन के लिया गया हो तो संपत्ति अग्नि से चोर के समस्त परिवार को समूल नष्ट कर देती, जबकि विष तो खाली एक ही व्यक्ति को नष्ट करता है, अग्नि एक ही घर को नष्ट करती, लेकिन ये पूरे परिवार वंश को ना समूल नष्ट कर देती। तो तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर ब्राह्मण की या वैष्णव की संपत्ति की चोरी से ली गई या धोखे से ली गई या छीनी गई संपत्ति से उत्पन्न अग्नि की तुलना उस अग्नि से करते हैं जो पुराने वृक्ष के कोटर के भीतर जलती, और ऐसी अग्नि को अनेक बार वर्षा का जल भी नहीं बुझा सकते, वृक्ष के अंदर की अग्नि को वर्षा का जल भी नहीं बुझा सकता है, यह भीतर ही भीतर पूरे वृक्ष को भूमि के भीतर जड़ों तक को जला डालती है। अतः इस प्रकार ब्राह्मण की संपत्ति छीनने चुराने या धोखे से लेने से उत्पन्न अग्नि अग्नि अत्यंत भयानक होती है, और यथासंभव जहां तक प्रयास हो कि किसी भी तरह से इस अग्नि से बचना चाहिए। तो यहाँ पे
दूसरे की संपत्ति का भोग करने का ये बताया गया, उसमें भी विश्वेश्वर ब्राह्मण या वैष्णव, ये भगवान स्वयं बता रहे। नारद ने क्या पाप किया? केवल उस ब्राह्मण की गाय जो वापिस लेके दूसरे को दिया, गलती से दिया, लेकिन उसका परिणाम, गलती वाला भी परिणाम को अननोइंगली, उसका भी परिणाम ये है। तो जो नोइंगली कर रहा है उनका क्या परिणाम? पूरे परिवार को समूल, वंश को समूल नष्ट कर दे। ब्रह्मस्वं दुर्ज्ञातम्, ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातम्, भुक्तम हन्ति त्रिपुरुषम्, प्रसयतु बलात्, प्रसयतु बलात् भुक्तम्, दश पूर्वान् दश अपरान्। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित अनुमति के, यदि कोई व्यक्ति बिना उचित अनुमति के ब्राह्मण की संपत्ति का भोग करना चाहता है, तो इसका परिणाम और भी भयानक बताया। बिना अनुमति के भी, पहले तो बस छीन के धोखे से या चुरा के, इसमें आगे लिखा है यदि कोई व्यक्ति बिना उचित अनुमति के ब्राह्मण की संपत्ति का भोग करना चाहता है तो वह संपत्ति उस व्यक्ति को 3 पीढ़ियों तक को नष्ट कर देती। वो संपत्ति उस व्यक्ति की 3 पीढ़ियों तक को नष्ट कर देती है। बिना अनुमति के, किंतु यदि वो उसे बलपूर्वक या राजकीय अथवा किसी बाहरी सहायता से छीन लेता है तो उसके पूर्वजों की 10 पीढ़ियां, उसके पूर्वजों की 10 पीढ़ियां और उसके आगे आने वाले उत्तराधिकारियों की 10 पीढ़ियां भी नष्ट हो जाती। पिछली 10 पीढ़ियां और आगे 10 पीढ़ियां भी नष्ट हो जाती है जो छीन के लेता है, जो बिना अनुमति के लेता है 3 पीढ़ियों तक नष्ट हो जाती। इसमें ब्राह्मण या वैष्णव को कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नियम है। भगवान जो बता रहे धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान धर्म बता रहे। इसमें उसको कोई शाप देने की जरूरत नहीं ब्राह्मण या वैष्णव को, ये तो ऑटोमेटिकली धर्म के अनुसार होगा। छत्तीसवें श्लोक में बता रहे हैं, राजानो राज लक्ष्म्या, राजानो राज लक्ष्म्या अंधा, नात्मपातम विचक्षते, निरियम ये अभी अभी मन्यन्ते, ब्रह्म संसाद बालिश। राजसी ऐश्वर्य से मदांध राजा अपने पतन पहने से देख पाने हम असमर्थ रहते हैं। राजसी ऐश्वर्य से मदांध राजा अपना पतन पहले से देख पाने में असमर्थ रहते हैं। वे ब्राह्मण की संपत्ति के लिए, ब्राह्मण या वैष्णव की संपत्ति के लिए मूर्खता पूर्वक लालायित रहकर वास्तव में नरक जाने के लिए लालायित रहते। जैसे बताया गया कि राजसी ऐश्वर्य से मदांध राजा अपना पतन पहले से देख पाने में असमर्थ रहते, वे ब्राह्मण की संपत्ति के लिए मूर्खता पूर्वक लालायित रहकर वास्तव में नरक जाने के लिए लालायित रहते।
आगे बोलते हैं 37-38 श्लोक में, ग्रहयंती यावत मांशुन क्रंदताम अश्रबिंदव विप्राणाम हतवृत्तीनाम वदान्यायाम कुटुंबिनाम राजान राजकुल्या च तावत अब्दानिरुंकश कुंभी पाकेश पच्यंते ब्रह्मदाय अपहारिण। जिनके ऊपर आश्रित परिवार हो तथा जिनकी संपत्ति हड़प ली गई हो, ऐसे उदार चेता ब्राह्मणों के आंसुओं से ऐसे उदार चेता ब्राह्मण के आंसुओं से धूल के जितने कणों का स्पर्श होता है उतने वर्ष तक वे अनियंत्रित राजा या छीनने वाला जो ब्राह्मण की संपत्ति को हड़प लेते हैं वे अपने राज परिवारों के साथ कुंभी पाक नामक नरक में भुने जाते हैं। तो कितना भयानक दंड है, आगे दंड के ऊपर दंड बताया जा रहा है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। जिनके ऊपर आश्रित परिवार हो तथा जिनकी संपत्ति हड़प ली गई हो ऐसे उदार चित्ता ब्राह्मणों के आंसुओं से जितनी धूल के कण चिपकते हैं, जिनकी धूल के कण जितने कण गीले होते हैं उनके आंसुओं से, उतने वर्षों तक अनियंत्रित राजा जो ब्राह्मण की संपत्ति को हड़प लेते हैं अपने राज परिवारों के साथ कुंभी पाक नामक नरक में भुने जाते हैं। ये भगवान स्वयं अपने पुत्रों को बता रहे हैं और दूसरे यदुवंशियों को, अपने संबंधियों को बता रहे, अपने कुटुंबियों को बता रहे, भगवान से दंड बता रहे। क्यों कर रहे हैं कि जिससे उनके पुत्र वंश वाले लोग इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करें कभी भी, क्योंकि माता पिता का कार्य होता है बालक को सही शिक्षा देना। शास्त्र के अनुसार शिक्षा देना, जो उचित शिक्षा है वही। जो वास्तव में धर्म के अनुसार है वही। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म व्रतिम हरे यच षष्ठी वश शस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी। आगे और भी भयानक बल है, चाहे चाहे अपना दिया दान हो या अन्य किसी का हो, जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है, हरता है, हड़पता है, वो 60,000 वर्षों तक मल में कीड़े के रूप में जन्म लेगा। तो इसलिए ये सब चीजें क्यों बताई जा रही थी कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति से संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरे की संपत्ति या कुछ फ्री में मिला हो उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालना चाहिए। तो व्यक्ति को ऐसा कोई धन में मिला तो उसको अगर उसको कोई गिफ्ट भी दे दिया तो उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि वो भोग करेगा जितने दूसरे की संपत्ति का उतना वो पाप कर्म कमाए। इसमें स्पेशली ब्राह्मण और वैष्णव का लिखा, ना मैं ब्रह्म धर्म भूयात यत कृत्वा अल्पायुष नरा पराजिता च्युता राज्यात भवन्ति उत्तेजिनाय। भगवान आगे बोल रहे हैं, मैं उन ब्राह्मणों की संपत्ति की कामना भी नहीं करता, मैं उन ब्राह्मणों की संपत्ति की कामना भी नहीं करता, और जो इसका लोभ करते हैं उनकी आयु क्षीण हो जाती है। जो किसी दूसरे की स्पेशली ब्राह्मण वैष्णव की संपत्ति का लोभ करते हैं या उसके प्रति लालायित रहते हैं उनकी आयु क्षीण हो जाती है और पराजित होते हैं और वे अपना सब कुछ खो बैठते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर्प बनते हैं। यहां बोला गया दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर्प बनते हैं, क्योंकि सर्प का स्वभाव रहता है
क्रोध और ईर्ष्या सर्प का स्वभाव रहता है, उसके द्वारा कष्ट पहुंचा। तो ऐसे लोग जो है पराजित होते हैं, वे अपने राज्य को खो देते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर्प बनते हैं। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अपने पुत्रों से बोल रहे हैं, ये वंशियों से बोल रहे हैं कि जो दूसरे बोले मैं ब्राह्मण की संपत्ति की कामना भी नहीं करता क्योंकि स्वयं भी राजा है, और जो उसका लोभ करते हैं लालयित रहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है और पराजित हो जाते हैं और वे अपना सब कुछ राज्य खो बैठते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर्प बनते हैं। विप्रम कृतागसम विक्रम विप्रम कृतागसम अपि न एव दुयत माम का घनंतम बहु शपंतम व नमः कुरु नित्यशः। हे मेरे अनुयायियों, भगवान बोल रहे हैं देखिए कितना पाप, हे मेरे अनुयायियों मतलब अपने यदुवंशी को बोल रहे हैं, अपने पुत्रों को बोल रहे हैं, दूसरे रिलेटिव कुटुंबियों को बोल रहे हैं, हे मेरे अनुयायी तुम कभी भी विद्वान ब्राह्मण के साथ कठोर व्यवहार न करो, भले ही उससे पाप क्यों नहीं किया उस ब्राह्मण ने, भले उस ब्राह्मण ने पाप नहीं किया उसके साथ, यदि वो तुम्हारे शरीर पर वार भी करे या बारंबार तुम्हें शाप भी दे तो भी इसके नमस्कार करते रहो। तात्पर्य में भगवान कृष्ण उपदेश न केवल अपने निजी संगियों को दे रहे हैं अपितु उन सबों को भी दे रहे हैं जो अपने आप को भगवान के अनुयायी होने का भक्त होने का दावा करते हैं। आगे भगवान बोलते हैं यथा हम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहित तथा नमत युयम चय अन्य तथा नमत युयम चय अन्यथा मैं स दंड भाग। जिस तरह मैं सदैव ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ उसी तरह तुम सबको चाहिए कि उन्हें नमस्कार करो, जो कोई भी अन्यथा इसके विपरीत कर्म करता है मैं उससे मैं दंड देता हूं। ये भगवान आगे करें ब्राह्मण अर्थ ही अपहत हर्तारं पातयति अधम अजानंतम अपि हीनं नरगम ब्राह्मण गोइव। जब किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी चुराई जाती है, छीनी जाती है, ली जाती है, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पतित होना पड़ता है, जिस तरह ब्राह्मण की गाय से नृग को पतित होना पड़ा। जिस तरह ब्राह्मण की गाय से गलती से भी अनजाने में भी तो उसके पास वापस चली आई थी, उसे नृग को पतित होना पड़ा। तो अनजाने में भी किसी का धन आ जाए अपने पास में, अनजाने में भी आ जाए, उसके कारण पतित होना पड़ा। जानबूझ करके वो छीन के लिया हुआ है, चीटिंग करके लिया हुआ तो किस लिए, वो तो अलग बात। तात्पर्य यहां पर भगवान ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनके उपदेश केवल सिद्धांतिक नहीं व्यावहारिक भी है, जैसा कि नृग महाराज के साथ निश्चित रूप से हुआ। एवं विश्रावय भगवान मुकुंद द्वारका ओकसह पावन सर्वलोकानाम विवेश निज मंदिरम। इस तरह द्वारका निवासियों को उपदेश देने के बाद समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान मुकुंद अपने महल में प्रविष्ट हुए। तो इन नृग की पूरी कथा ही भगवान ने यह उपदेश देने के लिए, पूरी लीला ही उस उपदेश को देखा। इस प्रकार से भगवान द्वारा जो भी लीलाएं की जाती है वो सामान्य जीवों को उपदेश देने के लिए की जाती। यहां पे विश्वनाथ चक्री ठाकुर लिखते हैं कि अगर यदुवंशी प्रश्न पूछें, अगर ब्राह्मण हमारी संपत्ति छीने तो क्या होगा, ये तो हमने ब्राह्मणों को वैष्णव के, अगर ब्राह्मण हमारी संपत्ति छीने या हमारे ऊपर शत्रुता व्यवहार करें बिना किसी कारण के तो उस समय क्या करना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं दो श्लोकों में बोलते हैं, ओ मेरे फॉलोअर्स मेरे अनुयायी, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं जो कोई भी मेरा डिवोटी है
केवल आप ही नहीं, जो कोई भी मेरा दिवस्टी है, और अगर कोई ये स्वीकार नहीं करता है तो मेरा फॉलोअर नहीं है, मेरा डिवोटी नहीं। कृष्ण दो श्लोकों में बोलते हैं कि मैं भी उनको प्रणाम करता हूं तो तुम्हें भी वैसा ही उनका प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। विश्वनाथ चक्री ठाकुर बोलते हैं एग्जरेशन नहीं है, कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है, टू इंस्टिल फियर, भय लगाने के लिए अतिशयोक्ति नहीं, विश्वनाथ चक्री ठाकुर बोल रहे हैं। देयर इज अ डायरेक्ट प्रूफ एज स्टेट इन, ये डायरेक्ट प्रूफ है, इसको भय क्रिएट करने के लिए नहीं है। विश्वनाथ चक्री ठाकुर भगवान की वाणी में कमेंट्री करते हैं, There is not an exaggeration to instill fear, किसी में भय क्रिएट करने के लिए, ये वास्तविक में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। राजन ये तो पूरा वंश पूरा परिवार नष्ट हो जाता। इस प्रकार से ये राजन रख के उद्धार की कथा हमने श्रवण किया और इससे जो शिक्षाएं थी उसको भी ग्रहण किया। इसके आगे ये अध्याय यहाँ पे खत्म होता है, एक छोटा सा अध्याय है लेकिन बहुत सारी शिक्षाएं दे रहा, और भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद अगला अध्याय चालू होता है, 65वां अध्याय, चैप्टर 65, बलराम का वृंदावन जाना। ये अगला प्रसंग शुरू होता है 65वें अध्याय का, 10वें स्कंद के 65 चैप्टर का पहला श्लोक। श्री शुक वाच बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सूरत दिदक्ष उत्कंठ प्रयो नंद गोकुलम। सुखदेव स्वामी ने कहा हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और उन्होंने नंद गोकुल किया था। तो अभी ये टॉपिक एकदम चेंज हुआ है, दूसरा उसके आगे के चलो, क्योंकि पिछले टॉपिक से भगवान ये शिक्षा देना चाहते कि हर किसी को अपने परिश्रम के धन पर ही विश्वास करना चाहिए। किसी और धन के लिए लालयत नहीं रहना चाहिए। इसके बाद ये शिक्षा देने के बाद में अभी विषय चेंज हुआ, बलराम का वृंदावन जाना, जिसमें पहले श्लोक में बोल रहे हैं श्री शुक वाच बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमास्थित सूरत दिदक्ष उत्कंठ प्रयो नंद गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कुरुश्रेष्ठ, एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। बलराम जी की एक बार गोकुल फिर से जाने की इच्छा हुई। ये गोस्वामी बताते हैं कि बलराम हरिवंश पुराण में बलराम के वृंदावन जाने का वर्णन मिलता है। कस्य चिदत कालस्य स्मृत्वा गोपेश सौहृदम जगा मे को ब्रजम रामः कृष्ण श्यामो श्याम अनुमते स्थिते। ग्वालों के साथ प्रगाढ़ मैत्री का स्मरण करके एक बार भगवान बलराम भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर अकेले ब्रज गए। भगवान कृष्ण ने अनुमति ली, बलराम जी हालांकि बड़े भाई हैं कृष्ण के, लेकिन फिर भी कृष्ण से अनुमति लेकर अकेले ब्रज गए। वृंदावन के भोले भाले वासी व्यथित थे, भगवान कृष्ण अन्यत्र जाकर रहने लगे हैं, इसलिए भगवान बलराम उन लोगों को वहां सांत्वना देने गए। तो अभी वृंदावन के तो बेचारे वासी सब बेचारे भी नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त है, बेचारे तो होता है जिसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे वृंदावन के भोले भाले व्यासी व्यथित है कि भगवान कृष्ण तो अभी द्वारका जाके रहने लगे, इसलिए भगवान बलराम उन लोगों को वहां सांत्वना देने गए। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि शुद्ध प्रेम के महासागर
कृष्ण भी ब्रज क्यों नहीं गए? विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने यहाँ पे व्याख्या दी, उनकी व्याख्या करने के लिए विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं आगे। तो यदुओं ने सोचा कि गोपी जो है, गोपियां क्यों प्रसिद्ध है? अपने शुद्ध शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम के लिए प्रसिद्ध है गोपियां। गोपियां का नाम जब भी आता है उनका शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम, उनका और कोई क्वालिफिकेशन, भौतिक क्वालिफिकेशन है कि बहुत धनी है, बहुत सुंदर है, वो सारी चीजें सेकेंडरी है। शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम, गोपीज आर फेमस फॉर देयर प्योर एक्सटेटिक लव, शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम के। और कृष्ण के पिताओं माता पिताओं का भी कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम है। तो कृष्ण किससे नियंत्रित होते हैं? कृष्ण कंट्रोल होते हैं शुद्ध शुद्ध प्रेम से। कृष्ण इज कंट्रोल बाय प्योर लव, शुद्ध प्रेम से कंट्रोल होते हैं उनको। कृष्ण को और किसी तरीके से उनको उनको ऐश्वर्य पूर्वक ये करके सब चीजें करके उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उनको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वो बिना शुद्ध प्रेम के कुछ भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे उनके लिए कुछ भी कर दिया जाए, भव्य आलिशान मंदिर बना लिया जाए, उनकी भव्य भव्य ड्रेसेस बना दी जाए, उनको भव्य श्रृंगार किया जाए, उनको भव्य हार फूल माला, भव्य ऊंचे ऊंचे फूल किए जाए, ऊंचे ऊंचे सारे ऐश्वर्य किए जाए, उनको ऊंचा ऊंचा भोग लगाया जाए, लेकिन भगवान कृष्ण जो है किससे प्रसन्न होते हैं? कंट्रोल बाय प्योर लव, शुद्ध प्रेम से होते। इसलिए वो अगर ब्रजवासी जाएंगे, वो ब्रज में जाएंगे तो फिर वापिस कैसे आ सकेंगे? भगवान तो वापिस नहीं आ सकेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदुवंशियों ने, द्वारका वासियों ने कृष्ण को वृंदावन जाने से रोक लिया। जिससे क्या क्या, अगर वो चले जाएंगे तो उनकी तो लीला ऐसी कि वो उनके भक्तों के अधीन हो जाते हैं, वो गोपियों के अधीन हो जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। द्वारकावासी ने सोचा, क्योंकि भगवान जो है रेसिप्रोकेट करते हैं ब्रजवासियों का। रेसिप्रोकेट लव वही होता है जिसमें शुद्धता हो। मटेरियली मोटिवेटेड यहाँ पे बहुत ही जगह पे मटेरियली मोटिवेटेड लव होता है, आदान प्रदान, इसको देना इससे लेना, इसको देना इससे लेना, इसको देना इससे लेना, ये देना इसके बदले में ये लेना, ये देना इसके बदले में ये लेना। बहुत ही जगत में कभी वन साइडेड लव नहीं रहता, लेना देना, बदले में अगर किया लव किया तो उसके बदले में कुछ लेना। तो लेकिन क्या है कि कृष्ण जो है यहाँ पे अपनी लीला ही उनकी ऐसी कि वो ही रेसिप्रोकेट एवर इंक्रीजिंग लव दे ब्रजवासी, ब्रजवासियों को रेसिप्रोकेट करते हैं उनके प्रेम। ब्रजवासियों में कि अगर भगवान रेसिप्रोकेट नहीं भी करें तो भी ब्रजवासी रह जाएंगे। जैसे भगवान तो इतने टाइम के लिए अनुपस्थित थे और उस समय तो कोई मोबाइल फोन नहीं था कि व्यक्ति हाल चाल पूछता रहे। अभी मोबाइल फोन आ गया तो व्यक्ति दिन भर ही एक दूसरे के हाल चाल पूछता रहता। हाल चाल में क्या चेंज होगा, मोबाइल आने से क्या चेंज होगा? जब मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था तो कैसे हाल चाल था? एक लेटर के द्वारा महीने में हालचाल पूछ लिए। अभी तो ऐसा पूछता है व्यक्ति के हालचाल क्या हुआ, हर क्षण बीट, हार्ट रेट कितनी हुई, ब्लड प्रेशर कितना हो, ब्लड शुगर कितना हो, ये कितना हो, कितना हुआ, वहां तक का हालचाल पूरा एक एक डिटेल। बीट रेट कम हुई है ज्यादा है? पहले जब व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं था तो कैसे चलाता था, करोड़ों करोड़ों साल कैसे चलता था, लाखों करोड़ों साल। अभी तो व्यक्ति एक दूसरे से पूछता, आज मैं डॉक्टर के पास गया था, आज मैं इस डॉक्टर के पास गया था आज उस, तो दूसरे व्यक्ति की भी धड़कन बढ़ा देता है। कैसे डॉक्टर के पास गए थे, कौन से डॉक्टर के पास गए थे? फिजिशियन के पास गया था, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया था, इस डॉक्टर के पास गया था उस डॉक्टर।
इससे दूसरे की धड़कन बढ़ जाती है। ये हालचाल होता है, आधुनिक युग की हालचाल ही है। आनंद देने के नाम पे कुछ नहीं, सुख देने के नाम पे नहीं, व्यक्ति कष्ट ही कष्ट है। तो यहां पे लेकिन इतने साल कृष्ण ने हालचाल भी नहीं पूछा गोपियों का, लेकिन गोपियां फिर भी कृष्ण के विरह में रह रही थी, क्योंकि कृष्ण प्रेम से ही उनको आनंद आ रहा था। अभी कृष्ण इसलिए भी नहीं जा रहे बलराम को जाने के लिए, क्यों? क्योंकि कृष्ण चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, वहां पे जाके अपने भक्तों के, जिनका शुद्ध प्रेम है उनका अधीन हो जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए कृष्ण नहीं जा रहे, खाली बलराम जा रहे। आगे बोला जा रहा है, तो भगवान की लीला से हम ये प्रैक्टिकली कैसा व्यवहार होता है ये समझ सकते हैं। आगे बोलते हैं, परीक्षवत् चिरात् कंठे गोपे गोपी भी एवच अभिवाद्य राम अभिवाद्य पितरो आशीर् भी अभिनंदित है। दीर्घ काल से वियोग की चिंता सह चुकने के कारण गोपों तथा उनकी पत्नियों ने बलराम को आलिंगन किया। दीर्घ काल से वियोग की चिंता सखना कर गोपों तथा उनकी पत्नियों ने, तो सारी जब बलराम जी पहुंचे तो दीर्घ काल से चिंता कर रहे थे, कोई हालचाल नहीं, सालों सालों तक तो कोई हालचाल नहीं, कुछ हुआ नहीं उनको। हालचाल नहीं पूछने से भी कुछ नहीं होगा, पूछने से कोई सुधर नहीं जाएगा, नहीं पूछने से। दिन में अगर व्यक्ति दिन भर डेली पूछता रहेगा तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि हालचाल अच्छे हो जाएंगे। दीर्घ काल से वियोग की चिंता सह चुकने के कारण गोपों तथा उनकी पत्नी ने बलराम को आलिंगन। दीर्घ काल मतलब कोई कोई लेटर नहीं, कुछ भी नहीं, समय तो ये पोस्ट ऑफिस भी नहीं, मोबाइल की बात तो दूर, नेट की बात दूर, मैसेज की बात दूर, व्हाट्सएप, लेटर भी नहीं हुआ करते, किसी को पर्सनली भेज के संदेश भेजा, जैसे रुक्मणी ने ब्राह्मण के हाथ कृष्ण को संदेश भेजाया था। तो जब बलराम पहुंचे थे, बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें स्तुतियों द्वारा बलराम को हर्ष के साथ सत्कार किया। आगे विश्वनाथ चक्र ठाकुर का तात्पर्य में कहते, नित्यानंद स्वरूप अपि प्रेम तप्तो ब्रजोकसाम ययो कृष्णम अपि त्यक्ता यस्तम राम मुहुस्तुम। हम भगवान बलराम का बार बार यशोगान करते हैं, यति नित्यानंद है, किंतु ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें वेदना का अनुभव हुआ, अतः वे भगवान कृष्ण को छोड़कर भी उन्हें देखने गए। ब्रजवासियों का प्रेम इतना है कि भगवान कृष्ण को बलराम जी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी परमिशन लेके गए। ब्रजवासियों का प्रेम इतना शुद्ध कि भगवान चाहे बलराम और कृष्ण उनके कंट्रोल में आ जाते। चिरं न पाहि दासः सानुज जगत ईश्वर इति आरोप्यंकम आलिंग्य नेत्रे शिशिचतुश्चले
नंद तथा यशोदा ने प्रार्थना की, हे दशार वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो। यह कहकर उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद में उठा लिया, उनका आलिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिक्त कर दिया। ये उनका प्रेम था। इस तात्पर्य इस पर श्लोक जीव गोस्वामी ने इस प्रकार टिप्पणी की, नंद तथा यशोदा ने श्री बलराम से प्रार्थना की कि तुम अपने छोटे भाई सहित हमारी रक्षा करते रहे। इस तरह उन्होंने इस बात के लिए सम्मान व्यक्त किया कि वे बड़े भाई हैं, और उन्होंने यह भी दिखलाया कि वे अपने ही पुत्र के रूप में कितना मानते हैं। बलराम से इस प्रकार से मुलाकात हुई। आगे बोलते हैं, गोप वृद्धांच विधिवत यविष्ठे अभिवंदितः यथा वया यथा सख्यम यथा संबंधम आत्मनः यथा संबंधम आत्मनः समुपेत्य अथ गोपालान हास्य हस्तग्रादिवि विश्रांतमो सुखमासीनम प्रपच्यु पर्युपागतः प्रष्टाचरणामयं स्वेषु प्रेम गदगदया गिरा कृष्णे कमलपत्रक्षे संन्यस्त अखिल राधस। तब बलराम ने अपने ऐसे बड़े ग्वाल बालों के प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया, जो छोटे थे उनका आदर सत्कार किया। वे आयु, मैत्री की कोटि तथा पारिवारिक संबंध के अनुसार एक एक से हंसकर हाथ मिलाकर स्वयं मिले। तत्पश्चात विश्राम कर लेने के बाद उन्होंने सुखद आसन ग्रहण किया और सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हुए। उनके प्रति प्रेम से रुद्र वाणी से उन ग्वालों ने, जिन्होंने कमल नयन कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर दिया था, अपने द्वारका के प्रियजनों के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। बदले में बलराम ने ग्वाल वालों की कुशल मंगल के विषय में बारे में पूछा। तो उन्होंने उनकी कुशल मंगल पूछा, उनके भी कुशल मंगल पूछा। ये किससे, कितने कितने वर्षों बाद मिले। बीच में कोई हालचाल नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम वैसा के वैसा ही बना हुआ था। बलराम जी उसी प्रेम की रक्षा करने के लिए तो गए थे। प्रश्न, कच्चित बांधवा राम सर्वे कुशलम आसते कच्चित स्मरत राम यूयम दान सुतान्विता। ग्वालों ने कहा, हे राम, बलराम से बोल रहे, हे राम, हमारे सारे संबंधी ठीक से तो है ना, और हे राम, क्या तुम सभी लोग अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अब भी हमें याद करते हो? तो क्या पूछा जा रहा है? ठीक ठाक वेलफेयर का पूछा जा रहा है। यहाँ पे अपना दुख प्रकट नहीं कर रहे हैं, वेलफेयर पूछ रहे हैं दूसरे। ये है, यहाँ पे मिलन हो रहा है इस प्रकार। दूसरे के वेलफेयर से संबंधित चीजें पूछी जा रही। कह राम, तुम सब लोग अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित अभी हमें याद करते हो, ठीक है ना सब कुछ? इस प्रकार से ये बलराम जी जब पहुंच रहे तो प्रेम का आदान प्रदान चल रहा। उसी प्रेम की वृद्धि करने के लिए ये मिलने गए थे गोपियों से जो उनके, क्योंकि वो आश्रित थे, हमेशा उनके प्रेम की आशा करते, शुद्ध प्रेम, बदले में कुछ लेना देना नहीं।
इस प्रकार से बलराम जी की यात्रा बताते हैं। बलराम जी की यात्रा का और भी आगे वर्णन है, लेकिन अभी समय हो रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा।